कौन कहा कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहा कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहा कौन कहा कौन कहा कौन कहा। I'm sorry कृष्णा जी, आज के बाद मैं कभी ऑफिस जाने की कोई बात नहीं करूंगी, अब तुम अशांत हो जाइए। हाँ हेलो मीरा। के साहब, आज आपके मीरा ने एक ऐसा ऑडिशन दिया है जो आज तक किसी आर्टिस्ट ने नहीं दिया होगा। यहाँ एक तूफान आया था जिसे मीरा ने शांत कर दिया है। ये संपूर्ण आई हुई आत्माओं का एक साथ आगमन, ये पृथ्वीलोक पर बढ़ते हुए पापों को स्पष्ट करता है। धरती पे कई ऐसे लोग भी हैं जो पाप करने वालों पर अपनी नजर रखते हैं, और इस बात का एहसास उन्हें मैं दिलाऊंगा सर। मैं हिडन विजन पर केस कर दूंगी। अरे सुपरस्टार हूँ मैं, सुपरस्टार, करोड़ों फैंस हैं मेरे, मास का पावर है मेरे पीछे, मैं इन दोनों को तबाह कर दूंगी। मैं धर्मराज ये घोषणा करता हूँ कि समस्त आत्माओं को कठोर से कठोर दंड दिया जाए और सभी आत्माएं नरक द्वार की ओर प्रस्थान करें। कलम दवात के अस्त्र शस्त्र रखने वाले आप उस पाप से युद्ध करेंगे जिसे राक्षसी प्रवृत्तियां सहयोग दे रही है। हाँ हाँ, मैं युद्ध करूंगा मायावी कलयुगी पाप से, मैं युद्ध करूंगा। मैं जानता था चित्रगुप्त जी, आपको विश्राम नहीं, आपका चिंतन आपका मनन पृथ्वी लोक पर बढ़ता हुआ पाप है। नहीं धर्मराज जी, सिर्फ बढ़ता हुआ पाप है। युगों बीत गए चित्रगुप्त, मैंने पहले कभी आपको इतना उत्तेजित और चिंतित नहीं देखा। आप जानना चाहते हैं धर्मराज जी कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ? आपसे पूर्व सृष्टि के निर्माता स्वयं यहाँ पधारे थे। ब्रह्मा जी और यहाँ? जी हाँ, पृथ्वीलोक का भ्रमण बीच में ही छोड़कर नारद जी भी यहाँ पर आए। क्यों चित्रगुप्त? धर्मराज जी, आप जानना चाहते हैं कि मेरी चिंता क्या है, मेरी व्यथा क्या है? आइए। Sir, Mr. Tyagi from India wants to talk to you. Okay, line down. Okay, sir. Good morning, Mr. Prem. Good morning. कहिए कैसे याद किया आपने? आपने जो हमें फैक्स भिजवाया है उसके मुताबिक आप 6 अप्रैल को हिंदुस्तान आ रहे हैं। Oh yeah, actually 6 अप्रैल को मेरे कजिन का बर्थडे है और मेरी कुछ बिजनेस की डील भी अधूरी पड़ी है इंडिया में, तो 6 अप्रैल को मेरा इंडिया आना बहुत जरूरी है। You are most welcome, Mr. Prem. हमने आपकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए हैं। एयरपोर्ट पे पहुँचते ही हमारी पुलिस आपको अपनी सुरक्षा में ले लेगी। हमारे कुछ खास कमांडोज आपके साथ हर वक्त रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर त्यागी। हम उम्मीद करते हैं मिस्टर प्रेम कि आप हमारी पुलिस और हमारे कमांडोज के साथ पूरा पूरा सहयोग देंगे ताकि हम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सकें।
मिस्टर त्यागी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि पुलिस प्रोटेक्शन और पुलिस के कमांडोज के बीच मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। डोंट वरी, इस बात के लिए हम अपने कमांडोज को खास इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर त्यागी। यू आर वेलकम। वेलकम टू इंडिया मिस्टर प्रेम। बाय। भावना। जी मॉम। तेरे पापा तैयार हुए? हाँ, अब तक तो तैयार हो भी गए होंगे। मॉम, जब तक वो आते हैं हम आरती शुरू करें? हाँ, वैसे भी उन्हें आजकल जल्दी निकलना होता है। भगवंती भाई, मैं निकल रहा हूँ, देर हो रही है ऑफिस के लिए। अरे सुनिए, आरती तो करके जाइए। आरती तुम लोग कर लेना, मुझे देर हो रही है। देखो मेरे बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, हाँ वो निकल जाएगा। और सुनो, आरती के बहाने अब नाराज मत हो जाना, तुम लोग कर लेना मिलके, मैं निकलता हूँ। प्लीज हाँ, बाय। मॉम, डैड जल्दी में थे, चलिए हम दोनों आरती शुरू करते हैं। आइए आइए। हे भगवान, ये क्या होता जा रहा है इनको? आज तो इन्होंने आरती करने से भी मना कर दिया। क्षमा करना भगवान, मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, पर मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा, इस घर के रीति रिवाज संस्कार जब बड़े ही भूलने लगेंगे तो बच्चों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? मैं आकर सारे अकाउंट्स चेक कर लेती हूँ मिस्टर जेठा। ओके बाय। मामा आपने बुलाया? क्या बात हो गई माँ? बेटा बात हुई तो नहीं है। आप इतनी परेशान सी लग रही हैं। हाँ बेटा, परेशान तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कुछ ना कुछ होने वाला है। तुम तो जानते हो मैंने किन मुसीबतों से तुमको पाला है, बड़ा किया है, अच्छे संस्कार दिए हैं तुम लोगों को, आदर्श दिए हैं मैंने। मम्मा साफ साफ बताइए, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? बेटा मैं तुम लोगों को क्या साफ साफ बताऊं, जब मुझे ही सब कुछ धुंधला होता नजर आ रहा है। बेटा मैंने तुम लोगों का उज्जवल भविष्य का सपना देखा है, जिस पर मैं कोई भी दाग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मम्मा कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? हाँ मम्मा, आज अचानक कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा काफी दिनों से मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाह रही थी। बेटा जब अपने आदर्शों के लिए मैं अपने पति को छोड़ सकती हूँ, तो ये बात याद रखना कि मैं अपने उसूलों की खातिर तुम लोगों को भी छोड़ सकती हूँ। ये बात तुम लोग हमेशा याद रखना। मामा आप हमारे लिए सब कुछ है और हम आपको कभी दुख नहीं पहुंचा सकते। आप शायद ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि हम पापा के कुछ करीब आ गए हैं, लेकिन मामा पापा भी तो अपने ही है ना, जैसे आप अपनी हैं। मामा पापा कितने ही गलत क्यों ना हो, लेकिन वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे, वो हमें कभी गलत राह नहीं दिखा सकते। मामा भगवान करे तुम्हारे पिता के बारे में तुम दोनों के दिलों में यही गलतफहमी बनी रहे। बाकी तुम दोनों बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी इस बात को गंभीरता से लेना, समझे? चलो मुझे अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम लोग जाओ। मम्मा अब इतना डांट कर बिना प्यार किए आप ऑफिस नहीं जा सकती। I love you mama and I mean it. Mama आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। I love you too. I love you too beta. लेखा जो
हेलो हेलो मीरा माँ जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। तुम बताओ, कृष्णा कैसा है? कोई प्रोग्रेस? अगर पत्थर को टुकड़े टुकड़े करना हो तो एक ही चोट काफी है, मगर बात अगर पत्थर को तराशने की है तो वक्त तो लगेगा ही। उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? मेरा मतलब है, तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, उन्हें समझाने के लिए पहले उन्हें समझना जरूरी है, और वही कोशिश मैं कर रही हूँ। और उम्मीद की जा सकती है कि मैं अपने मिशन में, अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कहाँ है वो? अंदर अपने रूम में बैठे होंगे शायद। बात करूँ क्या आपसे? नहीं नहीं, मैंने तुमसे ही बात करने के लिए फोन किया था। मैं वापस आ रही हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे वापस आना पड़ेगा। कृष्णा का बर्थडे जो है, और सारी तैयारियाँ करनी है। आप मुझे बता दीजिए, सारी तैयारियाँ मैं कर लूंगी यहाँ। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सिर्फ मेरे कृष्णा को उसकी जिंदगी के मायने समझाओ, बस बाकी सब मैं देख लूंगी। वैसे मैंने कार्ड्स का ऑर्डर दे दिया है, मेरे पहुंचते ही कार्ड्स भी आ जाएंगे। ओके, और मेरा आना वहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम जो आ रहा है। ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रखना और कृष्णा को बता देना मैं आ रही हूँ। जी मैं बोल दूंगी। नमस्ते। नमस्ते, बाय। जय माता दी। सर सर, आपने आज का हिडन विजन पढ़ा सर? क्यों, क्या खबर है इसमें? ये सर आप खुद पढ़ लीजिए। हिडन विजन, फिल्म इंडस्ट्री की पापी रूपवती विकारन। क्या बात है, क्या बात है। रोमी यार, इसका राइटर कौन है? चित्रांश। अरे वो तो मैं भी पढ़ रहा हूँ यार, लेकिन ये आदमी है कौन? इतनी आग कैसे भरी इसके अंदर, तो बिल्कुल धधकता ज्वालामुखी है। इसके बारे में मालूम कर। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं पता लगाता हूँ। रोमी जी, इस बार आप टेंशन मत लीजिए, ये हिडन विजन मेरे दोस्त आरसी का अखबार है, इस बार पता मैं लगाता हूँ। यस सर। ओके। हेलो केके, बहुत दिनों के बाद याद किया आपने दोस्त को। अरे यार, याद तो इनको किया जाता है जिनको आदमी भूल गया है। हम तो आपको हमेशा याद करते रहते। बताओ कैसे हो? वो सब बातें बाद में दोस्त, पहले ये बताओ कि चित्रांश कौन है और उर्वशी को इतनी अच्छी तरह कैसे जानता है? मैंने भी उससे यही प्रश्न पूछा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उसकी तरफ से। लेकिन एक बात जान लो केके, चित्रांश वो हीरा है जिसकी चमक अंधेरे में भटके हुए लोगों को रोशनी दिखाएगी, और उसकी शार्पनेस बुराई का लहू लुहान कर देगी। और एक बात जान लो, चित्रांश की कलम आग उगलती है, आग। और हमारे अखबार को कलम के ऐसे ही निडर सिपाही की जरूरत थी। कलम का जादूगर है चित्रांश, कलम का जादूगर। बहुत दिनों के बाद किसी ने मुझे इतना इम्प्रेस किया है यार, इस ग्रेट राइटर। ओके केके, बाय बाय। चित्रांश, चित्रांश, हर तरफ चित्रांश, चित्रांश, चित्रांश। हेलो बेटा, मैं बोल रही हूँ। मम्मी, बहुत दिनों बाद इस बार फोन किया। बेटे की शादी कर दी तो उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया। अब ये शिकवे शिकायतें बाद में करना। तेरी मम्मी की जन्म कुंडली के सितारे उथल पुथल हो रहे हैं बेटा। क्या बात है मम्मी, प्लीज आप साफ साफ बोलिए ना। बेटा, तेरे पापा की 6 महीने की जेल की सजा माफ हो गई है। तो क्या पापा जेल से छूट गए? मम्मी प्लीज, आप संभल कर रहिएगा। और हाँ, आजकल प्राइवेट पुलिस फोर्स की एजेंसियां हैं, आप अपने लिए 2-3 बॉडीगार्ड और 2-3 सिक्योरिटी गार्ड अरेंज करवा लीजिए। और हाँ, पुलिस में FIR दर्ज करवा दीजिए कि आपकी जान को उनसे खतरा है। मम्मी प्लीज, आप किसी तरह का कोई रिस्क मत लीजिएगा। और हाँ, अपने लिए एक रिवॉल्वर अप्लाई कर दीजिए। और संदेश और सर्वेक्षणी को सब कुछ साफ साफ बता दीजिए, जो भी बातें हमने उनसे छिपाई थी अब तक। मम्मी,
इस तूफान को किसी भी कीमत पर रोकना है, इसे अंदर नहीं आने देना है, समझ रही है ना आप मम्मी? और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी वक्त आप मुझे फोन करिए, और प्लीज मम्मी अपना ख्याल रखिएगा। बेटा तूफान ऑलरेडी घर में घुस चुका है। ये क्या कह रही है माँ, क्या पापा भी घर में? नहीं बेटा अभी तो घर में कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुझे फोन कर रही हूँ। बेटा तेरे पापा ने अब नया ड्रामा शुरू कर दिया है, संदेश और सर्वेक्षणी को अपना निशाना बनाकर कोई नई साजिश रच रहा है। बेटा मम्मी आप संदेश और सर्वेक्षणी को सब कुछ बता दीजिए, अब आप उनसे कुछ भी मत छिपाइए। बेटा मैं क्या बताऊँ उन्हें, मैं उन्हें कुछ भी कहती हूँ तो उसका वो उल्टा ही मतलब निकालते हैं, उसने टोटली उनका ब्रेन वॉश कर दिया है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मम्मी आप ठीक तो है ना, कहीं पापा ने फिर से आपको तो? नहीं बेटा, वो ना चीखता है ना चिल्लाता है ना मारता है ना पीटता है, जरूर किसी अपने बड़े मकसद को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। क्या हो सकता है उनका नया मकसद? बेटा सब कुछ क्या फोन पर ही पूछेगी? अब तो जल्दी से यहाँ आ जा। बेटा मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। नहीं मम्मी आप ऐसे मत बोलिए, मैं कल ही फ्लाइट से पहुँच रही हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है बेटा जल्दी आ जा, बाय। फीरू जी आप तो कह रहे थे कि इस कॉलम में मेरे नाम को लेकर कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो फिर ये जर्नलिस्ट मेरे बारे में उल्टा सीधा क्यों छाप रहे हैं? पहले यही जर्नलिस्ट मेरी कामयाबी की बातें छापते थे, लेकिन अब वो मेरे अतीत के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? मैडम किसी मशहूर शायर ने एक बात कही है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, कम अज कम नाम तो होगा, इसी बहाने लोग आपके बारे में बातचीत तो कर रहे हैं। लेकिन मेरे इमेज का क्या होगा? अरे काय की इमेज मैडम, इस इंडस्ट्री में इमेज बनती बिगड़ती रहती है, अगर इस लड़के ने आपके बारे में बुराई छापती है तो लोग आप में बुराई देखेंगे, कल को अगर इसी लड़के ने आपके बारे में अखबारों में अच्छाई छाप दी तो लोग आपके नाम का मंदिर बना देंगे। नहीं वीरू जी, चित्रांश मेरे बारे में कभी भी अच्छा नहीं लिख सकता, और बुराई की तो बस अभी शुरुआत की है, आगे पता नहीं क्या क्या जहर उगलेगा। तो आप किस मर्ज की दुआएं, रोकिए ना उसे, मुश्किल है। जहां तक के ये बंदा समझ रहा है, ये जरूर आपका पुराना आशिक रह चुका है, यानी कि पुरानी मोहब्बत जो आग उबल रहा है। वीरू जी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। वीरू बिना मतलब की कोई बात नहीं करता, मैंने आपसे कहा था ना कि उनके गुप्त तीर का जवाब हम गुप्त तीर से देंगे, और हमारा जवाब होगा ये चित्रांत। मैं कुछ समझी नहीं, जरा खुलकर बताइए। सिंपल बात ये है मैडम कि अगर आपको आरसी को रोकना है और चित्रांत के कलम को भी रोकना चाहती है तो आपको इस लड़के को शीशे में उतारना होगा, पुराना आशिक रह चुका है, रूठा है आपसे, आपको इससे मनाना होगा, आपको इसे अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाना होगा। वो मेरी बेवकूफी थी, I don't have any feelings for him anymore. कमाल की बात करती हैं आप मैडम, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं आप, एक रोमांटिक किरदार नहीं निभा सकती आप, और वो भी अपने करियर के लिए? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए। नमस्कार सर। अरे चित्रांश बैठो। थैंक यू चित्रांश, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरे अखबार के लिए एकदम यूनिक विषय चुना है, और इस विषय पाप पुण्य का लेखा जोखा के साथ न्याय भी कर रहे हो। थैंक यू सर। तुम्हें मालूम है कुछ ही दिनों में ये कॉलम बेहद लोकप्रिय हो गया है, जिस लड़ाई की शुरुआत मैंने अपने अखबार से की थी उसे तुमने एक नए मुकाम तक पहुंचाया है, और इसकी वजह से आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मची हुई है। जी हाँ सर, और सर
अब मेरा अगला निशाना होगा अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड? जी हाँ सर, पाप पुण्य का लेखा जोखा कॉलम का अगला विषय होगा अंडरवर्ल्ड के पापी। हर इंसान का अक्स वहां पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ